चेतावनी, पॉलिटिक्स का पट्टा गले में बांधे हुए कुत्ते इस वीडियो को ना देखें, बुरा लग जाएगा। सबसे पहले तो जो हिंसक घटनाएं हुई, जो किसानों के बीच कुछ लोगों ने घुसकर हिंसक घटनाएं की, उसका हमें बड़ा खेद है। हाथ जोड़कर हम माफ़ी भी मांगते हैं और दिल से हमें बुरा भी लगा। जो भी पुलिसकर्मी इंजर्ड हुआ, जिसको भी इस आंदोलन में या इस किसान आंदोलन की वजह से जिसको भी परेशानी हुई और अनएक्सेप्टेड चीज़ें जो इस आंदोलन में हुई, उसके लिए हम सच में क्षमा मांगते हैं और शर्मिंदा भी हैं। दूसरी बात, ये किसानों को खालिस्तानी बोलने का हक किसने दिया? पहली बात तो ये, मैं न्यूज़ देख रहा था, एक मीडिया एंकर बोलते हैं, इनकी हैसियत क्या है, तेरी क्या हैसियत है बे, तू कौन है, तेरे को किसने हक दिया? पहली बात तो, अगर किसानों को ये हिंसक काम करना होता, यही काम अगर किसानों को करना होता, तो वे बहुत पहले कर चुके होते। उन्हें इस दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी और ना ही किसानों की ऐसी इंटेंशन है कि वो इस आंदोलन को भड़काऊ बनाए। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां सर्दी में जाकर देखो कितने दिन से पड़े हुए हैं, और तुम कौन हो भोंकने वाले इसी के बीच कि किसान खालिस्तानी है? तुम्हारी क्या औकात है? किसानी से दूर दूर तक जिनका कोई लेना देना नहीं है ना, वो ये ऐसी बातें बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। जाकर वहां पर देखो आंदोलन में कौन खालिस्तानी है और कौन क्या है। आज मैं पूरा दिन वहीं रहा, इसीलिए वीडियो लेट बना रहा हूं। वीडियो क्वालिटी में भी आपको फर्क लग सकता है क्योंकि मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये जो बिना बात के कुत्ते भौंक रहे हैं, पहले तो ये अपनी जुबान बंद करो। हमें भी दुख है, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमें भी दुख है जो हुआ, लेकिन बिना बात मत भौंको किसानों के बारे में, और जो चीज है वो एक्चुअल में दिखाओ। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर किसानों को यही काम करना होता तो 26 जनवरी का इंतजार नहीं करते किसान। जाकर देखो कितनी जनता आई है वहां पर, अगर दिल्ली में घुसना होता तो कब के घुस गए होते। लेकिन हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, किसानों का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो इस पूरे प्रोटेस्ट को भड़काऊ बनाए। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले कितने दिनों से। तो बिना बात के कुत्ते जो हैं, इनका अपना मुंह बंद रखो और अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो, वो बहुत जरूरी है, वरना औकात किसकी कितनी है सबको पता है। और जिनकी कुछ औकात नहीं है वो ही बिना बात भौंक रहे हैं। जिन्हें चीजों का पता है उन्हें पता ही है कि हाँ एक्चुअल में ऐसी चीजें नहीं है। पूरा दिन मैं किसान आंदोलन में ही था। आज जितने मतलब प्रोटेस्टर दिल्ली के अंदर गए, उससे 3-4 गुना दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। और कुछ लोग अब ये भी सोच रहे होंगे कि बाहर भी वायलेंट एक्टिविटी है। जी नहीं, कुछ क्लिप्स दिखाता हूं मैं आपको प्रोटेस्ट की, आप उन क्लिप्स पर नजर डालिए एक बार। मेन आंदोलन नहीं है ये, कम से कम 10-11 किलोमीटर आगे है, और इतने ही ट्रैक्टर 10-11 किलोमीटर तक खड़े हुए हैं। तो जैसी लाइन अब आपने इस वीडियो में देखी, 15-20 किलोमीटर तक ऐसी ही लाइन बनी हुई है। दूसरी बात, एक चीज और हो सकती है, जब इतने लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट होता ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो दिल्ली में हुआ उसमें किसान पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। उन्हें पता होना चाहिए था कि ऐसी एक्टिविटी जरूर हो सकती है, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन जब किसी भी प्रोटेस्ट में होता है तो ऐसा होना लाजमी है। तो कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेवारी हम किसानों पर नहीं थोप सकते इस चीज की कि किसानों की वजह से ही हुआ है। प्रशासन का भी इसमें दोष है, प्रशासन को भी अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। और किसानों के बारे में गलत मत भोंको, स्पेशली ये राजनीतिक कुत्ते, ये अपनी जुबान काबू में रखो, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो।
दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ जिससे आप सभी का ज्ञान बढ़ सके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हाँ, इंडियन मीडिया पर भरोसा मत करो, बिकी हुई है, असली चीज नहीं दिखाएंगी, खालिस्तान से जोड़ेंगे इस प्रोटेस्ट को वो, और खासकर किसानों को खालिस्तान बोलेंगे। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूं।